सर, हाल ही में आपकी फिल्म रिलीज हुई मेहंदी लगा के रखना, सुपर डुपर हिट, दर्शकों को काफ़ी पसंद आई। इसमें बहुत सारा इमोशनल सीन्स एंड कॉमेडी भरी हुई थी। आप लोग इस फिल्म को लेकर आगे कुछ कहना चाहेंगे सर? अभी मैं रजनीश मिश्रा, डायरेक्टर उस फिल्म मेहंदी लगा के रखना का, और हमारे मित्र अनंजय रघुराज जिस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और हमारा जो प्रयास हुआ, हमने जो कोशिश की एक ऐसी फिल्म बनाने की जो इंटरटेनमेंट के साथ एक संदेश दे और जिसको सपरिवार देखा जा सके, लोग जिस तरीके से उसको देख रहे हैं और जिस तरीके से जो संदेश हम देना चाहते थे पारिवारिक मूल्यों को लेकर, तो हम लोग अपने प्रयास में सफल हुए हैं और लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है सिनेमा को। ओके सर, एक्चुअली जब इस फिल्म की स्टोरी मैंने सुनी थी तो पीछे 4-5 फिल्मों से मैं जुड़ा रहा हूँ, एज ए प्रोड्यूसर भी मैंने इसके पहले प्यार बिना चैन कहाँ किया था, कौन सी जगह थी, फिर पटना से पाकिस्तान किया था तो काफ़ी हिट रही। Yes. जब रजनीश जी पहली बार ये स्टोरी सुनाए तो मुझे थोड़ा सा संदेह था, क्योंकि अभी जो भोजपुरी फिल्मों में या तो एक्शन या फिर जिस तरीके की मसाला फिल्में आती हैं उस तरीके की फिल्में थी, मतलब नॉर्मली चलती हैं, और इन्होंने जब कॉन्सेप्ट सुनाया तो मुझे थोड़ा सा था कि क्या मतलब इसको कैसे हम लोग ये कर पाएंगे। फिर चूँकि मेरा खुद का डिस्ट्रीब्यूशन भी है बिहार में, तो ये रिस्क ही समझिए कि मैंने रिस्क ही लिया और इन पर भरोसा किया रजनीश जी पे, और इसमें जितने भी आर्टिस्ट थे वो अवधेश मिश्रा जी, खेसारी लाल यादव जी, काजल राघवानी जी, इन लोगों ने बहुत मेहनत की और मतलब एक इतनी प्यारी और इतनी अच्छी टीम बन गई, और इनका एक मतलब एज ए डायरेक्टर नहीं, एज ए फ्रेंड, एज ए दोस्त, और एज ए प्रोड्यूसर मैं भी नहीं था, एज ए दोस्त हम लोगों ने मिल के ये फिल्म बनाई और इन्जॉय की फिल्म। तो वहीं पे हमको लग गया था कि सिनेमा कुछ बेहतर हो रहा है, सिनेमा बेहतर जब बना रहे थे तो ये फीलिंग नहीं हो रही थी कि हम लोग कोई सिनेमा बना रहे हैं और हम लोग क्रिएटिव कुछ ऐसा मतलब रचना रच रहे, अपना डेजिग्नेशन वहाँ पे कुछ नहीं था, भूल चुके थे हम लोग, सिर्फ एक ही फ्रेंडली था, बस सब लोग फ्रेंडली थे। वहाँ पे हीरो भी डायरेक्शन का काम कर रहा था, प्रोड्यूसर तो हमारे ऐसे मित्र हैं जो हर चीज में इन्वॉल्वमेंट इनका है, तभी एक पटना टू पाकिस्तान जैसी फिल्म इन्होंने सफल फिल्म दिया, नहीं अब मेहंदी लगा के रखना, और सेकंड टाइम जो उसके बाद इन्होंने इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और चूंकि इनको अपने ऊपर भरोसा है तो इनको लगता है कि मैं जिसके साथ भी काम करूंगा बेहतर होगा, और आज भी उसी को जाके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी तैसी। नहीं, और एक और डर था रजनीश जी, मैं दर्शकों को बता दूं कि पटना से पाकिस्तान एक ऐसी फिल्म बनी थी कि आज भी लोग बोलते हैं कि कोई मतलब वहाँ तक लकीर कोई खींच नहीं पाया, तो मुझे एज ए प्रोड्यूसर ये भी डर था कि सेकंड हमारी फिल्म आए जी, फिल्म आ रही है तो पता नहीं मतलब लोग कैसे लेंगे और फिर कहाँ किस तरीके से उम्मीदों पे मतलब, खरा उतर पाएंगे, हाँ पब्लिक की उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगे कि नहीं। लेकिन आपको बताऊँ कि ये एज ए म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने 70 फिल्में दी है जिसमें से 99% ब्लॉकबस्टर फिल्म है, जैसे रिक्शा निरवा रिक्शा वाला पहली फिल्म थी आपकी, फिर उसके बाद से प्रतिज्ञा, ठीक है, निरहुआ हिंदुस्तानी, पटना से पाकिस्तान के भी म्यूजिक डायरेक्टर यही थे। तो एक्चुअली क्या हुआ, पटना से पाकिस्तान के म्यूजिक के दौरान आपका जो विजन था, मैं आपको बता दूं कि आपका विजन मुझे उसी समय समझ में आ गया था, क्योंकि फिल्म का म्यूजिक करते करते आदमी मतलब ऐसे घुस जाता था स्टोरी में, और स्टोरी को उसमें बहुत बड़ा योगदान इनका भी था, पटना से पाकिस्तान में एज ए म्यूजिक डायरेक्टर होते हुए भी क्रिएटिव लेवल पे काफी चीजें सजेस्ट करते थे, क्योंकि हम लोग फ्रेंडली हमेशा रहे हैं, दिनेश जी भी दोस्त थे, संतोष मिश्रा भी दोस्त थे, तो इन्होंने तो इसके बाद जब मेहंदी लगा के रखना की बात आई तो फिर मैं फुल कॉन्फिडेंट था कि ये बेहतर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनका विजन मुझे पता था कि ये विजन जो सोचते हैं और जो जिस तरीके की चीजें मतलब प्रेजेंट करते हैं वो शायद नॉर्मल से तो बेहतर है, बहुत बेहतर है। तो इसके लिए कॉन्फिडेंस देखिए, वो क्या इस फिल्म की म्यूजिक भी काफी सराही गई है, लोगों ने बहुत अच्छा उसको व्यू दिया है, व्यू आप जाएंगे यूट्यूब या सोशल मीडिया पर तो ज़्यादा मतलब काफ़ी तारीफ मिली है उसको, ऐसे मतलब ऐसी ऐसी गाने आपकी कंटिन्यूस आती रहेंगी अगर फिल्मों में तो शायद एक नया मुकाम मिलेगा फिल्मों को। एंड मैं चाहता हूँ आप इस पे कुछ बोलें कि सही फिल्में आती रहेंगी या बीच में कुछ फुल स्टॉप लगाने वाले हैं आप? नहीं, हम लोगों ने सोच रखा है और अनंजय जी और हमारी प्लानिंग है हमारी पूरी टीम की कि हम लोग कोई भी सब्जेक्ट पैटर्न में नहीं करेंगे, कि ये जो सब्जेक्ट अभी हमने मेहंदी लगा के रखना किया
अब हम फिल्म करने वाले हैं, मैं सेहरा बांध के आऊँगा, उसकी हम लोग अप्रैल में शूटिंग कर रहे हैं। हमारा ग्रुप सेम है, सारे टेक्नीशियंस, सारे आर्टिस्ट, सब हम लोग जो जैसे मेहंदी लगा के रखना भी काम किए, दूसरी बार अब जा रहे हैं काम करने। बिल्कुल। तो हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि भाई अब फिर एक अलग चीज़ लेकर आते हैं, ताकि दर्शक को भी लगे कि हाँ ये लोग अलग अलग, उनको भी अलग अलग चीज़ें देखने को मिले। तो क्योंकि जानते हैं एक एक्सपेक्टेशन भी है, मतलब इस टीम से, इस ग्रुप से। हाँ। मेहंदी लगा के रखना के बाद तो एक, क्योंकि हम तो हर थिएटर में जाते हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, हमको हर थिएटर में जाना है, हर थिएटर वाले से बात करनी है, हर पब्लिक से बात करनी है। जब मैं थिएटर के बाहर जाता था तो पब्लिक मुझे घेर लेती थी और बोलती थी कि सर कमाल की फिल्म बनाई है आपने। कई लोगों ने तो बोला कि पटना से पाकिस्तान से अच्छी फिल्म है ये, सोशल मीडिया पे भी। एक बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि अनंजय जी ने पटना से पाकिस्तान फिल्म बनाई और उसके पैटर्न पे कम से कम 20 फिल्में पाकिस्तान रिलेटेड बनी भोजपुरी में। सबसे ज्यादा डिजर्विंग आदमी उसका सीक्वल बनाने के लिए खुद थे, या पटना टू पाकिस्तान 2 बनाते या फिर कुछ और बनाते, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे टाइटल्स हैं वो बनाते ये। लेकिन उन्होंने वो हार्डकोर एक्शन पेट्रियोटिक फिल्म न बना करके एक अलग ही रास्ता चुना कि मैं अब हार्डकोर रोमांटिक फिल्म बनाऊं। और इन्होंने एक रोमांटिक, तो जिस आदमी को पूरी इंडस्ट्री फॉलो की 2 सालों तक पाकिस्तान पाकिस्तान की फिल्में बनाकर, ये आदमी अब एक रोमांटिक फिल्म बना दिया। अब पूरी इंडस्ट्री लगेगी रोमांटिक बनाने में, हमारे जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बिल्कुल। कि अब आप तीसरी जो लेकर आए वो इन दोनों से ना वो पेट्रियोटिक हो ना वो एक्शन हो, सोशली भी हो। हाँ, अभी जैसे मैं सेहरा बांध के आऊंगा की बात हम लोग अभी नेक्स्ट प्लानिंग कर रहे हैं और वो दोनों फिल्मों से डिफरेंट डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। उसका पैटर्न ही अलग है और वो ऐसी सिनेमा है ना, मैं सेहरा बांध के आऊंगा कि पब्लिक फिर से एक बार बोलेगी अरे ये क्या ये क्या ये अच्छा क्या। इसके बाद हम लोगों ने वंदे मातरम वो डिफरेंट है, वंदे मातरम की भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे आपने पूछा कि हम लोग अलग अलग तरीके की एक्सपेरिमेंटल सिनेमा, अलग अलग तरीके से, मतलब पब्लिक को एक फुल एंटरटेनमेंट के साथ अलग कुछ देने वाले हैं। बिल्कुल। और कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो ऊपर वाले के और पब्लिक की जनता जनार्दन जो आशीर्वाद मिला है वो हम लोग की हिम्मत और अगुवाई हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पब्लिक ने ये देख के और इतनी बड़ी हिट करके, मतलब फिल्म को, हम लोग का हौसला तो जाहिर से बात बढ़ाई। थैंक यू। थैंक यू।